हेलो बच्चों, हम लोग एक अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर ये स्टोन है, इस स्टोन को थीटा एंगल पे कुछ प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये स्टोन कुछ इस तरह के पार्ट में मूव करता हुआ जाता है। स्टोन के पाथ में ये दो टावर हैं जो सेम हाइट के हैं। इसमें ये दे रखा है कि एक टावर पर एक बर्ड यहाँ पर बैठी हुई है, और जब स्टोन यहाँ से जा रहा होता है तो वो जस्ट इसको टच करता है और ये अपने रास्ते चला जाता है। आज चिड़िया उस समय उड़ जाती है और ये उड़ते हुए जब ये बर्ड इस जगह पे पहुँचती है, यानी बराबर हाइट पर दूसरे प्रोजेक्टाइल के दूसरे पॉइंट पे पहुँचती है ये बर्ड, तो ये स्टोन नीचे आते समय इसको हिट कर देता है। तो आपको यही बताना है कि जो वेलोसिटी है बर्ड की, जिसको कि हमने वी नॉट माना है, और जो इस स्टोन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको कि हम यूएक्स बोलेंगे, इन दोनों का रेशियो निकालना है, हमें पता करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सॉल्व करने के लिए हमें ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें ये पता है कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल होता है सेम हाइट पर जाने के लिए, एक बार टाइम ये यहाँ से यहाँ तक गया, अगर इसके पास टाइम T1 है और यहाँ से यहाँ तक जाने का इसके पास टाइम T2 है, तो T1 और T2 की वैल्यू हम इस इक्वेशन से दे सकते हैं। इसको हमने लास्ट लेक्चर में बता रखा है, टाइम का क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन कॉन्सेप्ट के नाम से। तो यहाँ से हमें T1 मिल जाता है और T2 मिल जाता है, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें Δt मिल जाएगा, यानी टाइम इंटरवल। ये Δt क्या है, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम है। तो अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि बर्ड को ये स्टोन इस जगह पे बर्ड को पूरी तरह हिट नहीं करता। जैसे ये स्टोन यहाँ पे आया होगा, बर्ड यहाँ से कांस्टेंट स्पीड के साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उड़ना स्टार्ट कर दिया होगा। ये इस तरह से बर्ड जा रहा है, जबकि ये जो स्टोन है हमारा इस तरह इस पाथ को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। जब वो नीचे आता है तो उस टाइम पे बिल्कुल इस जगह पे सेम हाइट पे, यानी जितनी हाइट पे यहाँ पे उसी हाइट पर ये बर्ड दोबारा आता है और नीचे आते समय ये स्टोन इसको हिट कर देता है। तो इसमें ये देखो आप कि हम ये मान लेते हैं कि बर्ड का मोशन जब स्टार्ट होता है, यानी कि जब ये स्टोन T1 टाइम पे पहुँचता है, तो वो टाइम पे बर्ड के लिए इनिशियल वैल्यू होती है, यानी T1 = 0 लेंगे बर्ड के लिए, और जो वो यहाँ पे पहुँचता है यहाँ से यहाँ तक का टाइम, तो ये T2 है। तो आप देखो यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बर्ड कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, तो इसकी वेलोसिटी V0 और यहाँ से टाइम इसने जो लिया है T2, क्योंकि हमने T = 0 से यहाँ पे स्टार्ट किया, ये T2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। और ये देखो स्टोन के बारे में अगर देखो, तो स्टोन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम ले लेते हैं UX, और तो ये डिस्टेंस कितनी होती है UX × T1, और ये डिस्टेंस कितनी होती है UX × T2। तो स्टोन को प्रॉपर यहाँ से यहाँ तक इस बर्ड को हिट करने के लिए हम सारा कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। स्टोन यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लेगा, Δt टाइम लेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का माइनस यहाँ से यहाँ तक का। देखो ये एक्सप्रेशन बता रहा है आपको, T1 टाइम में ये इतनी डिस्टेंस चला स्टोन, T2 टाइम में इतनी डिस्टेंस चला है। तो अगर ये स्टोन इस बर्ड को हिट कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाली लेंथ स्टोन द्वारा चली गई डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्टोन और डिस्टेंस ट्रेवल बाय बर्ड मस्ट बी सेम, तभी ये पॉसिबल है। तो आप देखो ये बर्ड को उड़ने के लिए कितना टाइम मिला, V0 × T2। देखो जैसे स्टोन यहाँ से फेंका गया है ना, ये स्टोन यहाँ पे पहुंच रहा है, फिर बर्ड ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई, तो बर्ड के पास जो टोटल टाइम आएगा यहाँ तक T2 तक के लिए टाइम आएगा, ठीक है। इसको दिमाग में रखना है आपको, नोटेड डेट कि बर्ड के लिए ये टाइम पूरा T2 हम ले रहे हैं, ओके, क्योंकि तो बर्ड एकदम यहाँ से स्टार्ट कर देता है ट्रेवल करना, ठीक है। और ये स्टोन T1 टाइम पे यहाँ पे पहुंच रहा होता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, तो ये आपके पास कैलकुलेट कर ले, UX T2 − T1 = V0 T2, V0 / Vx कर लेंगे, T2 − T1 / T2,
T2 माइनस T1 को डेल्टा T कर लेंगे। ये सॉल्व करके एक इक्वेशन हमारे पास, मान लो इक्वेशन 1 आ गया। अब देखो T2 के लिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सॉल्व किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, ये वैल्यू आएगी और T1 के लिए ये वैल्यू आएगी। देखो जरा, अगर इन T2 माइनस T1 अगर हम निकालेंगे तो ये वाला टर्म कट जाएगा, इतनी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो हमारे पास T2 की वैल्यू तो पता है, अब हमें चाहिए VY की वैल्यू। VY की वैल्यू हमें पता करने के लिए इक्वेशन में एक और बात ये कहता है कि जब ये स्टोन है इस हाइट को क्रॉस करता है तो ये वापस इस हाइट तक जाता है, 2H हाइट तक जाता है। ओके, तो यानी कि एक तरह से स्टोन का इन्होंने मैक्सिमम हाइट दे दिया कि स्टोन जो है मैक्सिमम 2H हाइट तक जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में कि H इज इक्वल टू UY स्क्वायर अपॉन 2G, इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये। तो यहाँ से UY की H की जगह पे हम क्या रख देंगे, 2H रख देंगे, क्योंकि मैक्सिमम हाइट 2H है। ये वैल्यू रखने पे UY की वैल्यू आ जाएगी 2√GH, ये वैल्यू होगी। ये वैल्यू उठा करके हम यहाँ पे T2 में रख देते हैं, तो T2 में रखने पे हमारे पास क्या आ जाता है, 2√UY की √GH, ये टोटल UY की वैल्यू है, प्लस यहाँ पे UY स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा दे, 4GH हो जाएगा, माइनस 2GH फार्मूले का है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, 2 + √2√H/G। अब सिमिलरली डेल्टा टी इक्वल टू क्या होता है, अगर आप माइनस करेंगे ये वाला टर्म कट जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा। इसके बारे में हमने बताया, ये फार्मूला याद रखा जा सकता है, इससे क्वेश्चन थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो मैं इस फार्मूले का अगर यूज करता हूँ तो 2/G√4GH, क्योंकि UY की वैल्यू कितनी है, 2√GH है ना, 2√GH, तो स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 4GH, ठीक है, माइनस 2GH, माइनस कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 2√2H/G आएगा। हम 2√2 को अलग और √H/G को अलग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में हम ये वैल्यू डेल्टा टी और T2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाता है, 2√2√H/G√√H/G इन ब्रैकेट 2 + √2, ठीक है ना, UX के लिए। ये आप इसको सॉल्व कर देंगे, कैंसिल करेंगे तो आपके पास 2√2 + √2 आएगा। अब यहाँ से √2 कॉमन कर लो, √2 कॉमन कर लोगे तो यहाँ पे तो √2 होगा। देखो जैसे ये 2 को क्या लिख सकते हो, √2 × √2, तो एक √2 कॉमन कर लोगे तो यहाँ पे ये वाला बच जाएगा, ये √2 + 1 आपके पास बचेगा, और ये √2 इस √2 से कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर होगा 2/√2 + 1। ये आंसर हुआ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखो एक बार फिर से मैं बच्चों रिमाइंड कराता हूँ कि जब ये स्टोन यहाँ पे पहुंचता है तो चिड़िया यहाँ से चलना स्टार्ट कर देती है, ठीक है ना, चिड़िया यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और ये चिड़िया यहाँ से यहाँ तक जा रही है। तो ये चिड़िया के जो बर्ड है इसको यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम मिलेगा, क्योंकि स्टोन हमारा यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है, ठीक है। तब तक बर्ड को तो स्टोन लगी नहीं है, यानी बर्ड कितने टाइम तक, स्टोन जिस समय फायर किया गया यहाँ से यहाँ तक, स्टोन को यहाँ तक पहुंचने में T2 टाइम लग रहा है, अब बर्ड को भी यहाँ तक पहुंचने में T2 टाइम लगेगा, तभी ये स्टोन इस बर्ड को हिट कर पाएगा। यानी बर्ड की कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, V0 × T2, ये देखो ये मैंने लिखा हुआ है। जबकि स्टोन यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, स्टोन कैसे पता यहाँ से यहाँ, देखो स्टोन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट UX T1 यहाँ से यहाँ तक के लिए ले लिया, और UX T2 यहाँ से यहाँ तक के लिए ले लिया, और इसको माइनस करेंगे तो स्टोन का ये डिस्टेंस हमें पता पड़ जाएगा। तो हिट करने की कंडीशन ये है,